नमस्कार दोस्तों, क्या नाम है? सिली सोल बार। नाम ही सिली तो काम भी सिली। इस पर INCTV एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है और कम समय में आपको हम बताएंगे कि जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं उनका इस कंपनी से किस तरह से रिश्ता है। वो जो बार चलाया जा रहा है गोवा में, सिली सोल जैसा नाम वैसा काम, उसका रिश्ता केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी से किस तरह से है, तो इसके लिए आपको हम ये जो गोवा में बार चल रहा है इसकी शुरुआत करते हैं। इसको आपको समझाने के लिए शुरुआत करते हैं ईरानी परिवार से। स्मृति ईरानी के जो पति हैं श्रीमान जुबेन ईरानी साहब, उनकी पहली पत्नी मोना ईरानी थी, वही मोना ईरानी जो कि स्मृति ईरानी जी की सबसे बेहद सबसे ख़ास दोस्त हुआ करती थी। तो जुबेन ईरानी की पहली पत्नी मोना ईरानी एक कंपनी खोलती हैं जिसका नाम है मीठा पानी। राजस्थान में ये कंपनी जयपुर से रजिस्टर कराई जाती है और 2021 4 फरवरी को वो डायरेक्टर बनती हैं। लेकिन इस कंपनी में वो डायरेक्टर बनती हैं, साथ साथ में एक और शख्स डायरेक्टर बनते हैं जिनका नाम है राहुल वोरा। कड़ियों को समझिए, कड़ियों को समझने के लिए आपको राहुल वोरा को सेंटर में रखना पड़ेगा। ये वही राहुल वोरा हैं जो कि उग्राया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2017 से डायरेक्टर हैं। अब उग्राया का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी है? ये कंपनी स्मृति ईरानी के पति जो है जुबीन ईरानी उनकी है। इस कंपनी में उनके बेटे जोर जुबीन भी डायरेक्टर हैं। यानी ये कंपनी जुबीन परिवार द्वारा है, स्मृति ईरानी के परिवार द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन इसमें जो शख्स हैं वो राहुल वोरा हैं और राहुल वोरा जो हैं वो दूसरी कंपनी में मोना ईरानी जो कि स्मृति ईरानी के पति जुबीन ईरानी की पहली पत्नी है उसमें डायरेक्टर हैं। तो ये कड़ियां आप समझिए कि राहुल वोरा है कौन। अब ये राहुल वोरा उग्राया प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हैं और साथ में इनके जो हैं वो स्मृति ईरानी के पति और बेटे भी डायरेक्टर हैं। इस कंपनी से स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लोन भी लेती हैं। ये कागजात आप देख सकते हैं, ये सरकारी कागजात हैं और ये लोकसभा चुनाव के दौरान सबमिट किया गया है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से और ये उससे लोन भी लेती रही हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट भी, मतलब शेयर भी उन्होंने खरीदा है उग्राया। अब उग्राया को समझिए, इस कंपनी में स्मृति ईरानी के परिवार और राहुल वोरा हैं। अब राहुल वोरा एक कंपनी खोलते हैं जिसका नाम है एटॉल फूड ब्रिवरेजेस लिमिटेड और यही है असली खेल सिली खेल, यानी सिली सोल का सूत्रधार यही से पकड़ा जाता है। हमने जो कागजात तहकीकात किए हैं, हमने जो कागजात इकट्ठे किए हैं उसके अनुसार, एक जो वेबसाइट है उसके अनुसार इस कंपनी का GST नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसका ऑफिस गोवा में है। अब ध्यान से सुनिएगा, राहुल वोरा जो कि स्मृति ईरानी के परिवार के कंपनी में डायरेक्टर भी हैं, दोस्त भी हैं और आप भी अब तहकीकात करिएगा, हमने इसकी शुरुआत कर दी है। इसका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो एटॉल फूड जो कंपनी है इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है हाउस नंबर 452 बाउटा वाडो आसा गांव नॉर्थ गोवा 403509। दोबारा आप इस एड्रेस को जहन में ध्यान से रखिएगा और यहीं से ईरानी परिवार के खेल का पर्दाफाश होता है कि वो किस तरह से सिली सोल बार को चला रहे हैं। अब जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और जिस व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस दिया गया, वो मृत का नाम है एंथनी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और इन्हीं कागजात को देखकर स्मृति ईरानी ने अपने प्रेस वार्ता में कांग्रेस को कहा कि उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं, उनकी बेटी का इस बिजनेस में लेना देना नहीं है। लेकिन हमने आपको एड्रेस दिखाया एटॉल फूड का, जो कि बिजनेस जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो गोवा है और हाउस नंबर 452 इसमें दर्शाया गया है। आप देखिए दोबारा स्क्रीन पर और ये वही एड्रेस दोबारा आपको हम दिखाते हैं, एंथनी जिनके नाम पर ये सिली सोल बार चलाया जा रहा है। तो ये एड्रेस भी सेम, सिली सोल का एड्रेस भी सेम, जो मृत एंथनी हैं उनका भी सेम एड्रेस, यानी कागज़
सबूत बताते हैं कि स्मृति ईरानी का परिवार ये फर्जीवाड़े से बार चला रहा है। अब आपको दोबारा तरीके से, आप ग्राफिक के तरीके से समझाते हैं। उग्राया मसेडाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसमें डायरेक्टर जुबिन ईरानी, जोर जुबिन ईरानी, राहुल वोरा हैं। इस कंपनी से स्मृति ईरानी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो लोन भी लेती रही हैं इस कंपनी से, उसमें इस कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट भी होता रहा है। इस कंपनी के जो ईरानी परिवार के साथ जो तीसरे व्यक्ति हैं राहुल वोरा, वो कंपनी खोलते हैं एटॉल फूड बेवरेज लिमिटेड। उसका एड्रेस है 452 बाउटावाडा असागाव गोवा, और ये वही एड्रेस है जिसपे सिली सोल बार रजिस्टर्ड है, जिसपे शराब बेचने का इलीगल तरीके से आरोप है, शो कॉज नोटिस दिया गया है। तो ये हमने इसका पर्दाफाश किया है। उम्मीद है सरकार और जो एजेंसीज हैं इन कागजों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, और जिस तरह से कांग्रेस ने मान किया कि प्रधानमंत्री जल्द से जल्द स्मृति ईरानी को एक तो इनको पदमुक्त करें मंत्रालय से, और ये कागज़ ये सबूत बताते हैं कि किस तरह से अवैध कारोबार में ईरानी परिवार शामिल रहा है। और जिस बात को वो कह रही हैं कि वो अदालत जाएंगी कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस को लेकर वो घसीटेंगी, तो इनके वीडियो सबूत पूरे सोशल मीडिया में भी है कि किस तरह से उनकी बेटी एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दे रही हैं, और उसमें वो काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि उनका वो खुद इतना बड़ा बिजनेस शुरू कर रही हैं, और इसके लिए केंद्रीय मंत्री खुद अपनी बेटी को बधाई देती हैं और उस यूट्यूबर को भी बधाई देती हैं। अब ये जो कागज़ हैं, ये कागज़ सच बोल रहे हैं, सबूत बोल रहे हैं। हम आगे भी और खुलासा करेंगे, और भी हमारे पास कागजात हैं। और आपको बता दें चलते चलते कि स्मृति ईरानी का इस बार से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर पर खुद उन्होंने एक खूबसूरत आलीशान मकान भी ले रखा है, और तो और उनके गोवा में कौन से बैंक अकाउंट है उसके डिटेल भी बताएंगे आपको अगले बुलेटिन में, और ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी गाड़ियाँ और कौन कौन सी बोट उन्होंने गोवा में लिए हुए हैं, रजिस्टर करा रखे हैं बोट और गाड़ियाँ। ये बताते हैं सारे चीज़ कि गोवा में उनका फलता फूलता एक बिजनेस है, और ख़ास करके ये जो बार वाला बिजनेस है, ये राहुल वोरा किस तरह से ये कड़ी है आप, ये हमने आपको समझाया। इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए INC TV। नमस्कार।